हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के 10 ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपको हर परीक्षा के लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट हो। जो प्रश्न इस तरह है, आप ध्यान देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन ए बी इज ए राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन है नर्म लोहा, निकिल, तांबा और स्टील। इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहा। राइट आंसर क्या होगा? नर्म लोहा। चौथा प्रश्न है, लेंज का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा सी, ऊर्जा संरक्षण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पश्चिम, उत्तर, पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? हेनरी के द्वारा, ऑस्टेड के द्वारा, फैराडे के द्वारा, वोल्टा के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑस्टेड के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? कितने डिग्री का? 20, 100, 16, 18। कितने डिग्री बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 100 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन डी होगा हमारा, 90 डिग्री का। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है कैसे? हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हथौड़े से पीटकर और गर्म करके, मतलब अ और ब दोनों होगा। सी इज राइट आंसर। दसवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है? इसका ऑप्शन होगा लोहा, निकिल, कोबाल्ट, बिस्मिथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिस्मिथ इज राइट आंसर। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।